जी 1500 साल पहले की अगर हम बात करें तो तब से ये संस्कृति चली आ रही है जिस तरह से रोजान जी का कहना है, लेकिन धीरे 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 समाज खुल रहा है, धीरे धीरे लोगों की जो सोचने की स्टाइल है, दिमाग बड़ा होता जा रहा है, हम थोड़े ज्यादा मॉडर्न होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी दूसरी कंट्रीज के कंपेयर में हम लोग बहुत पीछे हैं, अब भी बहुत पीछे हैं। तो क्या जरूरी होगा कि उनके साथ कम्पीट करने में उनके साथ ये इस तरह का भी जैसे हक डे होता है वो इंडिया में भी मनाया जाए, किसिंग डे होता है वो भी इंडिया में मनाया जाए, तभी हम एक भारत जो है वो एक डेवलप्ड कंट्री की ओर से साबित होगा। सबसे पहले तो हक डे की है, अगर हमारा वो गांधी जी वाली कौन सा वो जागे रहो मुन्ना भाई, उसमें भी वो कौन सा था जादू की जब था, यानी उसमें तो मैं कोई अलग समझती नहीं हूँ, मैंने कभी वर्ड कोई किसने सुना नहीं, अगर आप बोल रहे हो तो होगा तो मुझे पता नहीं, आज पता चला नहीं, वो कॉम्पिटिशन लगता है, कॉम्पिटिशन नहीं जी, वो हमने जो आधुनिककरण जो हम कहते हैं, मॉडर्नाइजेशन जो हम कहते हैं कि भाई हमने वैलेंटाइन डे भी मनाया उसमें भी बहुत तमाशे होते हैं, या हमने मदर डे फादर डे सब मनाते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है, होना चाहिए करना चाहिए, क्योंकि ना फेस्टिवल से एक आत्मीयता बढ़ती है, एक अच्छा हैप्पीनेस का माहौल बढ़ता है, सो इट इज गुड पॉइंट अबाउट इट। कमिंग बैक टू द किस फैक्ट अबाउट जो आप कब से पूछ रहे हो और जो मैंने भी बताया कि 125 करोड़ की जनता है, बट अब जो हेतु था पॉइंट ये दे वॉन्टेड टू शो के हम लोगों को वी आर अ फ्री वर्ल्ड और थोड़ा हिप टाइप का फ्री वर्ल्ड दिखाना चाहते थे, जो हमारी देश की संस्कृति में अग्री विथ योर पॉइंट देश की संस्कृति में जेल नहीं होता, और मैं क्या मेरे जैसे यूथ छोड़ दो, मैं अकेली मेरे जैसे यूथ भी अग्री कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई तुम्हें किसना है गलत नहीं है, बट इस तरह तुम मासे करके और जो आड़े वाले काम करते थे कि साली खाली किस वाला चक्कर नहीं था, आड़े भी काम होते थे, वो आप मत करो कि ऐसे ऐसी ऐसी चीजों में तो वो होने वाले हैं, तो इसलिए तो पॉइंट अभी ये हो रही है कि ऐसे डेज मनाने में कोई इश्यूज नहीं है, बट ये जरा किस नाम करके बदल कुछ अच्छा नाम देके भी करते हैं और उसमें एक एक, एक अच्छे से यू कैन मेक टू समथिंग गुड अबाउट नॉट दिस अश्लील जी। इसमें कोई लड़का या लड़की इस तरह फेस्टिवल का गलत अभी तो उठा सकते हैं, वही तो मैडम वही हुआ कि ये तो जैसे कि होली बुरा मत मानो, ये चक्कर है ना, होली बुरा मत मानो, किस लॉ फेस्टिवल बुरा मत मानो करके आरे आरे काम चालू कर दिया, और ऐसा नहीं कि खले लड़के लड़के लड़कियां जो एक दूसरे को जाते भी है और बड़े एक्स्ट्रा वो भी वहां खड़े खड़े उन्हें काम चालू कर दिया उन्होंने, तभी तो पुलिस ने लाठी चार्ज किया, वरना पुलिस ने बोला था कि जब तक आप पहुंचे रहोगे तब तक हम खड़े वाले काम नहीं करें, अरे हम लाठी चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन कमिंग बैक टू अगर दूसरे जो संस्थाओं ने जो विरोध किया वो तो बट वैलेंटाइन डे पे भी करते हैं विरोध, और ये जो विरोध करना यानी वी हैव टू बी ओपन, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, अगर एक जन फॉर है एक जन विरोध है तो ऑब्वियसली आपने कहा भाई का वो सही बात है कि उनको हवा मिली, लेकिन हवा तो ऐसे भी मिलती है, अगर नहीं विरोध करते तो देखते बोलते देखो इंडिया में तो ये सब चलता है तो उससे भी हवा मिलती है, यूर ऑलरेडी ना कैच 22 सिचुएशन, तो बोलना तो जरूरी होता है दोनों साइड को, डिड इट देयर आई एम ओके विद दैट जी। पॉइंट ऑफ एजुकेशन इवेंट्स चलाते हैं युवा को लेकर, तो एजुकेशन में अब आया था इसी के पास में क्योंकि इसी से जुड़ी हुई चीज है, सेक्स एजुकेशन का भी कुछ हुआ था, और बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, लड़कियों को पता होना चाहिए, लड़कों को पता होना चाहिए, चलिए ठीक है अग्रेड वो हो गया, लेकिन इसके अलावा अगर आपको इसी तरह का मैसेज देना है दूसरे किस टाइप के इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहेंगे, क्योंकि केरला 100% रेशियो है वहां पर लिटरेसी लेवल का, जबकि गुजरात में ऐसा नहीं है, केरला में जब विरोध हो सकता है, हम तो ये तो गुजरात की बात है। जिस बैकग्राउंड में इस डिबेट का हम चर्चा कर रहे हैं तब कि इस देश की सभ्यता और संस्कृति के अगेंस्ट में ये सब चीजें हो रही है जी, मेरा पर्सनल क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हमें हमारे देश की सभ्यता संस्कृति पर विश्वास हो तो कोई भी आदमी ऐसे सिटीजन बनेंगे ही नहीं इस देश में कि ऐसी इवेंट का फायदा उठाया जाए नेगेटिव तरीके से, अगर संस्कृति इतनी मजबूत है तो जी। दिक्कत क्या हुई आज के जमाने में कि हम कंफ्यूज हो गए, एक पैर भविष्य में एक पैर पास्ट में है, तो फिर प्रेजेंट का तो हम प्रेजेंट तो कंफ्यूजन में ही जी रहे, जब तक युवा का प्रश्न है जी। मैं आपको एक बात क्लियर तरीके से बता देना चाहता हूँ कि युवा एज एन ऑर्गेनाइजेशन जब से एस्टेब्लिश हुआ तब से लेके आज तक हमेशा पॉजिटिव और रचनात्मक कार्यों में उलझी रही, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो या कहीं पे भी कोई भी अपॉर्चुनिटी दिखे हम उसको बहुत ही एक्सट्रीम पॉजिटिव में गवर्नमेंट सिटीजन्स और बाकी लोगों को साथ में मिलकर कैसे उसको आगे लिया जाए उसी के ऊपर काम करते हैं, हम ना तो प्रोटेस्ट में जाते ना तो एक्टिविज्म में जाते, हम केवल और केवल अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से काम में कन्वर्ट कर सके उसी के ऊपर फोकस करते, तो कभी भी भविष्य में भी अगर ऐसा कोई मुद्दा आया हमारे सामने जो लगा कि रचनात्मक कार्य
करके उसको आगे बढ़ाया जाए, तो हम उसको केवल और केवल पॉजिटिव वे में ही आगे बढ़ाएंगे। लेकिन क्योंकि ये भी इवेंट है वो युवाओं ने किया था, आप भी युवा हैं, यंग हैं, अगर आपको मोरल पॉलिसिंग, इनका कहना है कि मोरल पॉलिसिंग के लिए उन्होंने ये इवेंट किया था, किस फॉर लव, मोरल पॉलिसिंग के लिए आप एज ए युवा क्या करना चाहेंगे, मतलब क्या होना चाहिए आपके मुताबिक, अगर आपको सोचने के लिए या अगर सपोज ऑर्गेनाइज होता है इस तरह का इवेंट या ये मैसेज देना है। मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ वो चीज से जिसमें मुझे क्या करना चाहिए वो मुझे कोई आके दिखाए जी। अगर कोई भी आदमी मोरल पॉलिसिंग के नाम पे मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या कपड़े पहनने चाहिए, मुझे मेरी बहन माँ या किसी गर्लफ्रेंड घर में आई हुई बहू से किस तरह से बात और व्यवहार करना चाहिए, वो सब मेरा और वो एज एन इंडिविजुअल जो दूसरी व्यक्ति है उसका प्रश्न है। कोई भी आदमी अगर बाहर जाके मुझे बताए कि ये हमारी सभ्यता या संस्कृति के खिलाफ है तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। युवा, मैं ये मैसेज बहुत ही स्ट्रॉन्गली देना चाहता हूँ कि इस देश का हर युवा जी खुद के मन के मुताबिक जी जो भी करना चाहे वो लिमिट में रहकर करना चाहिए, वो उसको फ्रीडम इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन और इस देश के जो फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने बनाया उन लोगों ने दिया है। तो इस देश के बाकी लोगों को कोई हक नहीं बनता मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किस हाल में। कोई आपको बता नहीं रहा है कि ऐसे करो, कोई आपसे पूछ रहा है, जैसे कि मैं आपसे पूछ रही हूँ एज ए युवा, अगर आपको मोरल पॉलिसिंग का मैसेज देना है तो आपके मुताबिक किस तरह से, कौन सा ऐसा सबसे अच्छा वे होगा, रास्ता होगा कि जिससे मोरल पॉलिसिंग इस देश में दिया जा सके। इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का एक फेमस कोट है, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। मेरा और जब तक युवा लोगों का मानना है तब जो भी मोरल पॉलिसिंग की बातें मैं लोगों को बताना चाहता हूँ वो मेरे काम में, मेरे जीवन में, मेरे व्यवहार में मैं उसको प्रदर्शित करूंगा, ना कि किसी को कहकर। तो हमारे सबको काम अगर हमारे एक्शन रहेंगे तो फिर जाके हमें किसी के साथ बातचीत करने का या किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी रुजान जी, जैसे इन्होंने कहा कि मोरल पॉलिसिंग सब अपने अपने तरीके से युवा हैं तो हम बिल्कुल फ्री हैं और हमारे पास, हम सबको समझ आता है, सबके पास अगले है और सब अलग अलग तरीके से उसे कन्वे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोरल पॉलिसी के लिए ये जो रास्ता अपनाया गया, आपने तो बिल्कुल कहा कि ये कुछ गलत नहीं है इसमें, लेकिन क्या ये ही सही है और मोरल पॉलिसिंग के लिए किस ही जरूरी है? चलिए सेम क्वेश्चन मैंने पार्थ जी से पूछा है वो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपके पास ऐसी लेडीज आती हैं जिनके ऊपर बहुत कुछ बीता हुआ होता है और उन्हें और उनके घर वालों को ये चीज की बहुत जरूरत होती है। सबसे पहले तो जो पहले मॉरल पॉलिसी की बात कर दूं कि सबसे पहले ये जो बच्चों ने ये जो लव के फेस्ट किया, किस लव फेस्ट, एक्चुअली प्रेम तो अपने फादर से भी होता है, बहन से भी होता है, भाई से भी होता है, और किस भी, मैं ऐसा नहीं बोलती किस भी के अपने फादर को फादर को उस पे करते इस पे करते करते हैं, ऐसा नहीं खाली लिप टू लिप को बोलते हैं, हाथ पे भी करते हैं, ये तो होता रहता है, लेकिन हमने हमेशा उसको उस नेगेटिविटी में ही देखा, वो ऐसे नेगेटिव दिखाया भी यहाँ पे, हमारी गलती नहीं थी, यहाँ ऐसे तमाशे हुए भी, तो इसलिए एक वो पॉइंट था। दूसरा कमिंग बैक टू मॉरल पॉलिसिंग की बात है, तो मेरा ऐसा हमेशा सख्त मानना रहा है, बहुत स्ट्रिक्टली है, कि अगर कोई बच्चे रास्ता भटकते हैं, भाई साहब ने अच्छी बात बताई कि हम ऐसा करते हैं युवा ये वो हम फलाना ढेकना, बट सत्य ये है कि हमारे यूथ मिसयूज बहुत हो जाते हैं, सत्य ये है कि हमारे यूथ को मिस यूज और मिसलीड करने वो उनके जो भी लीडर्स होते हैं वो करते हैं, ये एक सत्य है, भले फिर कुछ भी चोला पहनेंगे कि हम तो कुछ नहीं सिखाते, तुम तुम्हारा फ्री विल करो ये करो वे करो, लेकिन सत्य ये, तो उस सत्य को रोकने के लिए, उस सत्य को रोकने के लिए मुझे आज ये कहना है कि हमारे जो यूथ के हम जो पावर कहते हैं, हम बोलते हैं 2040 तक हमारे आधा से ज्यादा नेशन हमारा यूथ होगा, तो मुझे इस यूथ को कहना है कि जो हमें हम अगर आज की तारीख में एक तो अपना एजुकेशन सिस्टम इतनी अच्छी हो गई है कि हमारे पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, जो मेरे एज में मेरे को नॉलेज थी उस टाइम पे उससे ज्यादा अभी उन लोगों को नॉलेज है, उनके पास बहुत सारे गैजेट्स है, उनके पास बहुत सारी फैसिलिटीज है जहां से वो लोग को वर्ल्ड से नॉलेज दिखाए, तो अभी भी जरूरी है कि हमारे यूथ खुद का जो थिंकिंग पावर रखे और वो थिंकिंग पावर से डिसीजन ले, जो भी डिसीजन होगा मान्य होगा, अगर मान लो आज ये यूथ ने जो भी फाइव फेस्ट किया जो भी किया तो किसी ने उनका करना उनका हक बनता था और वो स्टॉप करना दूसरे का हक बनता था, और जो आप मेरे जैसे लोग हैं अपनी खुद की बुद्धि से जजमेंट ले सकते जी। ये अपनी जगह से, लेकिन मुझे आज ये रिक्वेस्ट भी करना है कुछ यूथों को कि अपनी बुद्धि वापरो, दूसरों के उसमें मत आओ, दूसरे के प्रचोड़ों में मत आओ, दूसरों की बातों में मत आओ, अपनी बुद्धि वापरो, ये हमेशा मुझे कहना रहता है, फिर वो उसमें कुछ भी आ सकता है, इरिस्पेक्टिव ये है कि नहीं है।